नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश पे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च किया गया एवं लॉकडाउन नियमों का पालन न करने वाले वाहनों व चालकों पर चलानी कार्रवाई भी की गई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रामक को देखते हुए जिले में सुरक्षा की दृष्टि से नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई है एवं सभी लोगों को स्वच्छता से संबंधित समझाइश दी गई है एवं पुलिस द्वारा मास्क वितरण करते हुए उन्हें रेड कार्ड इशू किया गया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं संबंधित कर्मचारी द्वारा लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पैदल चल रहे गरीब मजदूरों की सहायता करते हुए उन्हें ठंडा पानी वितरण किया गया। पेशे उमरिया से शंकर सिंह चंदल की खास रिपोर्ट। ये लॉकडाउन के अंतर्गत विशेष तौर से पुलिस विभाग को, यातायात विभाग को, सभी को बल को तैनात किया और कहा कि लॉकडाउन के नियम जो भी तोड़ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं या एक एक गाड़ी पर तीन तीन सवार ज्यादा भीड़ वाली जगहों पे एकत्रित हो रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, उन पे सख्त कार्रवाई की गई। इससे बहुत कुछ सामाजिक में और यातायात और नियमों के पालन में सुधार आया है। इसी के साथ साथ में लॉकडाउन के अंतर्गत जिनको होम घर में जिनको व्यवस्थित रूप से पुलिस प्रशासन ने करवाया कि आपको 14 दिन तक नियमों का पालन करना, अपने घर में रहना है, लेकिन वो कोई भी नियम का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में स्थिति है कि नशा के कारण घर से बाहर निकलते हैं, नशा करते हैं, सामाजिक स्थानों में, धार्मिक स्थानों में जहां पर लोगों का एकत्रित होना है, बाजार में, रात्रि में, दिन में घूमते रहते हैं। इससे समाज को, उनको स्वयं को खतरा है। इस पर विशेष ध्यान दें, सब नियमों का पालन करें। एडिशनल एसपी मैडम और उनकी टीम ने शहर के अंदर तमाम उन लोगों को चालानी कार्यवाही की है जिन्होंने एहतियातन मास्क नहीं लगाया था और बेफिक्री से शहर में घूम रहे थे। चूंकि चाहिए उनको ये था कि इस विषम परिस्थिति में पुलिस चिल्ला रही, प्रशासन चिल्ला रहा है, शासन निर्देश दे रही है, फिर भी बेफिक्री से घूमना ये कहीं न्यायोचित नहीं है। जबकि उमरिया जिले में ऑलरेडी जो है कोरोना का मरीज पाया जा चुका है। और दूसरी तरफ ये है कि जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है वो भी सावधानी नहीं रख रहे हैं, मनमाने ढंग से जी रहे हैं, जो उनको आ रहा है वो कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल कहीं तरीके से न्यायोचित नहीं है। भैया क्यों खेलते हैं, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय द्वारा और कार्यालय के और भी जो समय कर्मचारी हैं उनके सहयोग से प्रवासी मजदूरों को जो धूप में आ जा रहे थे पानी पिलाया गया है, ये एक नेक कृत्य है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस की लगातार जो है सुबह और शाम की पेट्रोलिंग फ्लैग मार्च जारी है और इसमें इसी के दौरान हम लोगों को समझाइश देते हैं कि आप मास्क पहन के घूमें और जितने भी स्वच्छता के नियम दिए गए हैं उसका पालन करें। उसके बावजूद भी लोगों के द्वारा जो है लगातार जो है बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं और बार बार समझाइश देने के बावजूद भी जो है लोग मान नहीं रहे हैं। इसी तारतम्य में हम लगातार रेड कार्ड इशू कर रहे हैं और तीन सवारी वाहनों का चालान कर रहे हैं। इसी तारतम्य में अभी हमने गांधी चौक पे लगभग 14 लोगों को रेड कार्ड इशू किया है, साथ में इन्हीं जो वाहनों का चालान भी किया गया है। और इसी तरह की लगातार हमारी मुहिम जारी रहेगी। हमारी उमरिया की गणमान्य नागरिकों से बार बार अनुरोध है कि बगैर मास्क लगाए आप न निकलें और जितने भी नियम कोविड के हेतु दिए गए हैं उन नियमों का पालन करें और शासन प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही जो ऐसे व्यक्ति बार बार बोलने के बावजूद ही मास्क नहीं लगाए हैं उसको स्पॉट पे ही पुलिस द्वारा मास्क जो है प्रदाय किया जाए।